जो ये शुरुआत हमने की है लगभग 2008 से हमने इस चीज़ की शुरुआत की है। हम पहले से ही प्रोडक्शन लाइन में थे, लेकिन हमने सोचा कि एक ऐसी चीज़ रिवाइवल हो जाए जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग यहाँ आए और दोबारा यहाँ काम करने लगे। लेकिन एक खुशकिस्मती की बात हमारे लिए यह है, इस इंडस्ट्री के लिए यह है कि जब से फिल्म पॉलिसी लॉन्च हुई है तब से फिल्म टूरिज्म का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कि अगर पहले लोग बहुत कम आते थे या कहीं कहीं आते थे, लेकिन आज की डेट में हमारे पास इतना वक्त इतना टाइम नहीं है कि हम सबको एंगेज कर सके, सबको जवाब दे दे, और इतने सारे लोग अभी आ रहे हैं। जब यहाँ पे कोई ये काम जानता नहीं था तो फिल्में होती थी, छोटी छोटी फिल्में होती थी। आपको पता ही है कि हालात की वजह से यहाँ पे बहुत कम फिल्में आती थी। हम लोगों ने डोर टू डोर वहाँ पे कैंपेनिंग की बॉम्बे में, और फिर जाकर यहाँ पे स्टार्ट सिलसिला शुरू हो गया। और बहुत देर से हम सरकार से मुताला कर बहुत देर से हम सरकार की नोटिस में ला रहे थे कि हर जगह पे फिल्म पॉलिसी है, यहाँ पे भी फिल्म पॉलिसी होनी चाहिए। क्योंकि जितने भी हमारे साथ लिंक्स थे बॉम्बे में या साउथ इंडस्ट्री में, तो वो चाहते थे कि हमें भी कुछ सब्सिडी मिले जैसे बाकी जगहों पे मिल रही है। तो उसके बाद जब सरकार ने हमसे बात की कि कैसे किया जा सकता है, किस चीज़ को लेकर किया जा सकता है और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो 2019 से पहले 2019 में फिर टीम आई वहाँ से। हमने उनके साथ डिस्कशन किया तो शुक्र है कि उन्होंने हमारी जो बात है उसको समझा, और इस फिल्म पॉलिसी में हमारी जो बातें थी, हमारे से डिमांडें थी, उनको रख लिया। ये तो बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि काफ़ी इंक्वायरीज आती हैं रोज़। बहुत से लोग चाहते हैं यहाँ शूटिंग करना, कि यहाँ पे अच्छी लोकेशंस हैं, मतलब यूरोप के बराबर समझे आप। पहले यूरोप जाते थे, अभी यहाँ आते हैं। यहाँ पे कॉस्ट वाइज भी बहुत इफेक्टिव है, बहुत कम कॉस्ट पे अच्छी फिल्में बन सकती हैं। मैं यहाँ PR देखती हूँ। जब से ये फिल्म पॉलिसी आई है, हम जैसे यूथ को अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं काम करने के लिए, और हमारे साथ रिसेंटली बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। एज ऑफ नाउ तो 15 लोग हैं, और जब काम आता है तो और ज़्यादा लोग जुड़ते हैं हमारे साथ। तो हमारे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है ये, और कुछ नया मिलता है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, तो हमारे लिए तो बहुत बेस्ट होता है।